बॉडी से यूरिया यूरिन का रिमूवल होना इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। तो क्यों जरूरी है, कभी सोचा है कि अगर आपने इस बॉडी से यूरिन पास नहीं होने दिया, आपकी बॉडी में यूरिया कलेक्ट हो गया तो क्या होगा आपका, क्या जानते हैं आप क्या होगा? यस, अगर आपने यूरिन पास नहीं किया क्या होगा, आपके बॉडी में एक पॉइजनस सब्सटेंस कलेक्ट हो जाएगा जिससे आपकी इवन लाइफ भी जा सकती है। तो बॉडी से एक्सक्रीशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। तो रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट, क्या वेस्ट है? नाइट्रोजिनस वेस्ट है, मतलब यूरिया है, यूरिक एसिड है, जिसमें मैंने कहा यूरिन में के साथ जो ये पास ऑन होता है, इवन एक्सेस सॉल्ट्स हैं, ये हमारी बॉडी से, सर ये आती कहां से है ना, और ये पैदा कैसे होती है? तो इसीलिए कह रहा हूं लेसन को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको पता चलेगा कि ये आपके शरीर में यूरिया आ कहां से रही है, कहां से ये नाइट्रोजिनस वेस्ट तुम्हारी बॉडी में आ रहा है। इसका पूरा प्रोसेस हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करना, कीवर्ड आप याद कर सकते हैं, और इसे कहते हैं एक्सक्रीशन, या इसे हम यूरिनरी सिस्टम भी कह सकते हैं। हाँ, अगर आप लाइव बैठे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, कैन वी कॉल यूरिनरी सिस्टम ऑल्सो एक्सक्रीटरी सिस्टम कह सकते हैं आप, यस और नो में मुझे बता सकते हैं। और क्या करता है, मैंने कहा तो एक्सक्रीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे होम्योस्टेटिक बैलेंस में। हाँ, होम्योस्टेटिक बैलेंस मतलब होता है हमारे बॉडी का ओवरऑल फंक्शनिंग, जो हमारे सारे बॉडी के सिस्टम्स एक साथ काम कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम है कि नहीं हमारी बॉडी में, हार्मोनल सिस्टम है, ये सारे सिस्टम क्या कर रहे हैं, इंटरडिपेंडेंट है। तो सारे सिस्टम की और ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग डिपेंड करती है इस एक्सक्रीशन पे। आप इमेजिन करिए, मैंने कहा कि आपने यूरिया को पास नहीं होने दिया, बॉडी ने क्या किया, खाना जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रोक लिया, यूरिन अपनी रोक ली, नहीं पास होने दे रहे हैं, क्या आपको लगता है आप बहुत लंबे समय तक उसको रोक पाएंगे? शायद जवाब है नहीं रोक पाएंगे। तो आपके और बॉडी के सिस्टम्स काम करना बंद कर देंगे। तो अगर आपकी बॉडी में होम्योस्टेटिक बैलेंस नहीं हुआ तो आपके अदर बॉडी फंक्शंस काम नहीं करेंगे, डिजीज हो जाएगी एंड फाइनली डेथ हो जाएगी। सो आप अब समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो लेट अस सी द डेफिनेशन। तो वो ऑर्गन के सिस्टम्स, यस, जब आप सिस्टम की बात करते हैं तो कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जो टुगेदर एक्ट एज वन करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सिस्टम। तो वो कौन से ऑर्गन्स हैं? तो वो सारे ऑर्गन्स जो यूरिन के फॉर्मेशन, यूरिन के स्टोरेज और यूरिन के रिमूवल में मदद करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उन सब को कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आप कहेंगे सर किडनी, मैं कहूंगा हाँ, आप कहेंगे यूरिनरी ब्लैडर, मैं कहूंगा यस, और या तो यूरिनरी ट्रैक पूरा आपका, तो आपका जवाब एकदम सही है। आइए, क्या क्या सब्सटेंस हमारी बॉडी में जरूरी नहीं है, बट याद रखिएगा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम इन सबके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है? ये वो वेस्ट है जो हमारी बॉडी के लिए क्या करना है, रिमूवल जरूरी है। अब आप पूछेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, मैंने कहा हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है हमारा, क्या ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है? जवाब है नहीं, इट इज रेस्पिरेटरी। हाँ, हमारे रेस्पिरेशन का पार्ट है ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना, और जब हम ब्रीद आउट कर रहे होते हैं अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड नाम की एक गैस को रिमूव कर रहे हैं, बट ये अगेन फिर से कहता हूं ये एक्सक्रीशन का पार्ट नहीं है, इट इज रिमूव थ्रू लंग्स। हमारी बॉडी से एक्सेस वाटर भी रिमूव जाता है, यस, याद रखिएगा रेस्पिरेशन के दौरान, इवन स्वेट के दौरान, जब आपको खूब पसीना आता है, आप कहीं वर्कआउट कर रहे होते हैं, दौड़ के आ रहे होते हैं तो स्वेट आ जाता है, कभी आपने चखा है पसीना अपना, चख करके, वैसे चखना तो नहीं है, टेस्ट मत करिएगा क्योंकि वो बहुत सॉल्टी है। हाँ, तो वो एक्सेस सॉल्ट है आपकी बॉडी से जो आपको पसीने के थ्रू चले जा रही है, एक्सेस यूरिया है आपके, यस, पसीने में। नाइट्रोजिनस वेस्ट, तो यही मेन हमें रिमूव कराना है, यही मेन हमारा क्या है, पर्पस है रिमूवल। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट के अंदर यूरिया भी आती है, यूरिक एसिड आती है, और इवन अमोनिया आती है। सर, हम लोग की बॉडी में यूरिया कहां से आ रहा है, आपका क्वेश्चन होना चाहिए। सर, ये यूरिया हमारी बॉडी में कौन ला रहा है भाई, और ये यूरिक एसिड कहां से आ रहा है, अमोनिया कहां से आ रहा है, हम लोग तो कहीं से लेते नहीं है सर। अरे भाई, हमारी बॉडी में ब्लड है कि नहीं है, आरबीसी है कि नहीं है, तो रेड ब्लड सेल्स डेड होती है कि नहीं होती है, हमारी बॉडी में फूड में प्रोटीन नाम का पदार्थ है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड में प्रोटीन है, आप कहेंगे हाँ है। तो वो प्रोटीन जब आगे डिग्रेड करता है, डेड हो जाता है, हाँ, तो वो क्या बन जाता है, यस, वही बन जाता है यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। तो ये कौन प्रोड्यूस करता है, कहां ये डेड होता है, तो जवाब है लिवर में। हाँ, लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, हम ह्यूमन बॉडीज में सबसे बड़ा ऑर्गन आपको पता होना चाहिए लिवर है। तो लिवर इसको क्या करता है, बॉडी से एक्सक्रीट करता है, ठीक है? तो ये सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट वहां से रिमूव हो रहे हैं, वहां से बाहर निकल रहे हैं, और हमारे को यूरिया को रिमूव करने के लिए मदद लेनी पड़ती है किडनी की। किडनी आर द टू
बीन शेप्ड ऑर्गन्स, कुछ इस तरीके से है आपकी किडनी, ठीक है ना, ये है आपकी किडनी। तो आपको दो बीन शेप्ड ऑर्गन्स मिलेंगे, नाम है किडनी, जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। क्या दोनों किडनी जरूरी है, यस या नो में जवाब बता दीजिए। क्या कोई व्यक्ति एक किडनी से जी सकता है, यस या नो में आप जवाब दे सकते हैं। मालूम होगा तो लाइव बैठे हैं तो प्लीज जरूर बताइएगा। हाँ, मैं हर एक कमेंट का जवाब देना चाहूंगा आपके, ठीक है, आपके हर एक कमेंट को मैं यस नो या लाइक के साथ जरूर जवाब देना चाहूंगा। तो आगे, एक्सेस सॉल्ट हमारी बॉडी में आती है, एक्सेस सॉल्ट। हाँ, आप जो घर में नमक खा रहे हैं भाई, आपने सब्जी में, चावल में, यस, नमक खाया तो कॉमन सॉल्ट है। तो ये सॉल्ट और हमारी बॉडी में मौजूद वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन बी एंड सी स्पेसिफिकली, इनका बॉडी में स्टे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब आप पानी पीते हैं तो पानी के साथ ही क्या हो जाती है, यस, यूरिन में चली जाती है। आपकी यूरिन भी सॉल्टी है, ध्यान होना चाहिए आपको। तो ये यूरिन कहां से रिमूव हो रही है, अगेन किडनी, किडनी क्या कर रही है, हमारी बॉडी में जो सॉल्ट है उसको क्या कर रही है, पास ऑन कर दे रही है, ठीक है, यूरिन में डाल दे रही है। यहां तक कि मैंने बताया वॉटर, आपके बॉडी में जो आप फूड खा रहे हैं उसमें भी वॉटर है, आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं, पता है कि नहीं, आप दाल पी रहे हैं, सूप पी रहे हैं, बहुत सारा वाटर इंटेक कर रहे हैं, आप मिल्क पी रहे हैं, टी पी रहे हैं, वाटर इंटेक कर रहे हैं, तो कई रूप में पानी जा रहा है। डायरेक्टली ग्लास ऑफ वाटर नहीं पी रहे तो भी कई रूप में पानी आपके बॉडी में जा रहा है। तो इस पानी को बॉडी से क्या करना है, निकालना भी तो है, ताकि ऑस्मो रेगुलेशन हो सके। क्या चीज, हाँ, ऑस्मो रेगुलेशन, दी इनटेक एंड आउटटेक ऑफ वाटर का क्या होना, बॉडी में बैलेंस होना, ठीक है ना। अगर आप एक्सेस इनटेक कर लेंगे तो भी क्या हो जाएगी, बॉडी में प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। तो इसका बैलेंस भी मदद जरूरी है, ये भी एक्सक्रीशन का काम है। एंड लास्ट थिंग, और बॉडी से क्या निकलना जरूरी है, ये बाइल पिगमेंट रिमूव करना जरूरी है। अगेन, बाइल पिगमेंट, बाइल जूस, कौन सा जूस, बाइल जूस, जो बाइल जूस होता है ये फैट्स पे एक्ट करता है, किस पे एक्ट करता है, फैट्स पे एक्ट करता है, ये एक डाइजेस्टिव जूस होता है बाइल। हाँ, पेनक्रियाज, ध्यान से सुनिएगा, पेनक्रियाज इसे प्रोड्यूस करके स्टोर कर देते हैं, ठीक है, पेनक्रियाज इसे स्टोर करने के लिए लिवर के पास भेज देते हैं, लिवर में जाके क्या होता है, ये बाइल जूस स्टोर हो जाता है, क्या करता है, फैट्स पे एक्ट करता है और फैट्स को ब्रेक डाउन कर देता है और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देता है, ठीक है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देता है, कौन, ये बाइल जूस। तो बाइल जूस में पाए जाने वाले पिगमेंट में से एक पिगमेंट है बिलीरुबिन, क्या, हाँ, बिल्ली नहीं, बिलीरुबिन, एक येलो रंग का, एक पीले रंग का पिगमेंट होता है। हाँ, ये पीले रंग का पिगमेंट होता है जो क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स के डेड होने पे, हमारे रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, याद होगा आपको, हीमोग्लोबिन जो हमारे रेड ब्लड सेल्स का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, आयरन का बना पदार्थ होता है, याद है आपको, तो इससे निकलता है ये डेड आरबीसी से। सब कौन कर रहा है, अगेन लिवर, लिवर कर रहा है, ये लिवर क्या करता है, ये इनको प्रोड्यूस करता है, और इसका भी हमारी बॉडी से रिमूव होना चाहिए। कभी नोट किया है, आप पीते तो एकदम क्लीन पानी हो, हाँ, आप पीते तो एकदम व्हाइट पानी पीते हो, एकदम ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर पानी पीते हो, क्यों, आरो पानी पीते हो, पर यूरिन क्या, यूरिन क्या एकदम क्रिस्टल क्लियर निकलती है, नहीं नहीं, लाइटली येलोइश होती है। इवन हमारे बॉडी से निकला हुआ फेसल मैटर, आपकी बॉडी से निकला वेस्ट भी, सॉलिड वेस्ट भी आपकी बॉडी से निकल रहा है, वो भी येलोइश ब्राउन होता है। रीजन इज दिस पिगमेंट, ये पिगमेंट। हाँ, एक छोटा बच्चा है, यस, एक न्यूबॉर्न बेबी है जो अभी पैदा हुआ है, हाँ, एक न्यूबॉर्न बेबी है, वो सिर्फ दूध पी रहा है, वो सिर्फ सफेद रंग का प्योर दूध पी रहा है, कुछ नहीं पीता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल से बच्चा आया छोटा पैदा होकर के। तो जब वो पॉटी कर रहा है वो तो येलो है, सर वो कैसे, जवाब मिल गया आपको, हाँ, ड्रिंक्स व्हाइट बट रिमूव्स येलो, तो जवाब आपको मिल जाना चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी में भी क्या हो रहा है, ये जो बाइल पिगमेंट है बिलीरुबिन, ये हमारे वेस्ट के साथ रिमूव हो जा रही है, ठीक है, तो यूरिन में निकल जाती है ये, ध्यान दीजिएगा, ये एक्सक्रीशन होना हमारी बॉडी से जरूरी है, नहीं तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स स्टोर्ड अप हो जाएंगे, आपका होम्योस्टेसिस नहीं हो पाएगा, आपके बॉडी का दूसरे ऑर्गन्स का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, समझ गए ना। तो कोई चीज जो बॉडी में आ रही है उसका बॉडी में जितना यूसेज है वो होना चाहिए, बाकी क्या हो जाना चाहिए, चला जाना चाहिए। अब आता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में कौन कौन ऑर्गन्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं किडनी की, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको दिखाया, किडनी बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं। हाँ, आपने, आपको सोयाबीन पसंद है कि नहीं है, हाँ, तो बस उसी के नाम से है, बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैं। तो किडनी इज द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, क्या रिमूव करती है किडनी,
नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करती है यूरिन के रूप में। दूसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन में कौन आ गया आपके पास? स्किन, क्योंकि स्किन में जो पसीना निकल रहा है, हाँ, जो आपकी स्किन से पसीना निकल रहा है गर्मी के दिनों में स्पेशली, वो स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस करता है हमारी ठीक स्किन की, यस, स्किन की सेकंड लेयर के बाद मौजूद होता है स्वेट ग्लैंड, जो हमारी डर्मिस नाम की लेयर है, जी हमारी डर्मिस नाम की लेयर है, उसमें पाया जाता है ये स्वेट ग्लैंड। ठीक है, यहां पे क्या होता है? एक्सेस वाटर आपकी बॉडी में, जो एक्सेस पानी है, और इवन नमक, नमक है आपका सोडियम क्लोराइड, एक्सेस सॉल्ट, ये दोनों रिमूव करती है स्किन। और लंग्स, लंग्स आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रही है। और लिवर क्या कर रहा है? आपकी बॉडी को जहर मुक्त कर रहा है, ठीक सुन लीजिए, जहर मुक्त कर रहा है, डिटॉक्सिफाई कर रहा है, अर्थात आपकी बॉडी से टॉक्सिन मटेरियल को रिमूव कर रहा है, अमोनिया को, यस, यूरिक सब्सटेंसेस को, हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंस को आपकी बॉडी से रिमूव कर रहा है लिवर। ठीक है, वो अमोनिया को क्या करता है? यूरिया में कन्वर्ट करता है, जिसके बाद वो बॉडी से क्या होता है? यूरिन के रूप में या फेसल मैटर के साथ बॉडी से बाहर। आइए किडनी से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा लेबलिंग फंक्शनिंग आपको समझाएंगे किडनी के बारे में, क्योंकि ये डायग्राम आपको बेस क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो इस डायग्राम बेस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला ऑर्गन हमने पढ़ा, हाँ, सबसे प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी, और किडनी को पहले एक बार समझते हैं। तो किडनी कहां पाया जाता है, पहला क्वेश्चन आएगा लोकेशन। तो किडनी का लोकेशन बहुत सिंपल है, किडनी का शेप, क्या शेप बताया मैंने आपको? किडनी का शेप है बीन शेप। अगर आपसे शेप ऑफ किडनी पूछा जाए तो नाउ यू आर क्लियर। और पूछा जाए लोकेशन, तो लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ बैकबोन, बैकबोन, हाँ हाँ, आपकी पीठ में जो ये बोन जा रहा होता है पीछे, है ना, जिसे हम वर्टिबल कॉलम कहते हैं, 33 पेयर, 33 बोन्स होते हैं, याद होगा आपको, तो 33 बोन्स के लास्ट में, ठीक है, कहां पर? आइदर साइड, 33 बोन्स के एंड में, आइदर साइड में मिलेंगे आपको, कहां मिलेंगे? प्रोटेक्टेड बाय द लास्ट टू रिब्स, लास्ट दो रिब्स इन्हें क्या करती हैं, हाँ, रिब केज की जो रिब्स होती हैं इन्हें बचाती हैं, ठीक है ना। आप जरा स्क्रीन पे देख पाएंगे इस ह्यूमन का एनाटॉमी, इस ह्यूमन स्ट्रक्चर में आप देख पाएंगे कहां है आपका किडनी, किस पोजीशन पे है आपका किडनी। आइए, तो एक किडनी से निकलने वाला ट्यूब, एक किडनी से बाहर निकलने वाला ट्यूब, जो किडनी से बाहर निकलता है उसे हम कहते हैं यूरेटर। ये क्या करता है? एक नॉच लाइक मटीरियल, यस, नॉच मतलब एंट्रेंस का पॉइंट है, ईवीएम से निकलता है और जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। देखना चाहते हैं? अभी मैं डायग्राम में आपको उसको दिखा देता हूं। क्या दिखाना है आपको? कि यूरिनरी ब्लैडर, जी, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जाके इकट्ठा हो जाता है। द फ्रंट एंड, जो आगे का हिस्सा है यूरेटर का, यस, उसे, यस, कहा गया है पेल्विस। द फ्रंट एंड, आगे का हिस्सा, यूरेटर का फ्रंट एंड हिस्सा इज कॉल्ड एज पेल्विस। और जो यूरिन है, हाँ, जो किडनी यूरिन पैदा कर रही है, हाँ, वो यूरिन जाके कलेक्ट हो जाता है कहां पर? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर से कहां निकलने वाला है? बॉडी से बाहर, किस ऑर्गन से? यूरेथ्रा, यूरेथ्रा हमारी बॉडी से उसको बाहर निकाल देता है। और यूरेथ्रा को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? एक सर्कुलर मसल कॉल्ड एज स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल क्या करती है? इस यूरिन के मैच्यूरेशन को, अर्थात यूरिन के बॉडी से बाहर निकलने को कंट्रोल करती है। ठीक है ना, और इसका कंट्रोल किसके पास है? इसका कंट्रोल ब्रेन के पास है। जब तक ब्रेन हमारी बॉडी को नहीं कहेगा तब तक हमारा यूरिन हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाएगा। तो मैच्यूरेशन में हेल्प करता है ये सर्कुलर मसल, स्फिंक्टर मसल। कहां पर है ये गार्ड सेल? ये गार्ड मसल कहां पर है? एट द ओपनिंग ऑफ द ब्लैडर। ठीक है, और जब हम यूरिन बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं उसे आप यूरिनेशन भी कह सकते हैं या मैच्यूरेशन भी कह सकते हैं। हाँ, मैच्यूरेशन, और बता दिया इंपल्स कहां पर? इसका ब्रेन पे। आइए अब आपको एक डायग्राम से दिखा दें, यस, मैं आपको ले चलता हूं सीधे एक डायग्राम में जहां पर आपको दिखाना चाहता हूं। बहुत सिंपल सा डायग्राम है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इजीएस्ट डायग्राम है आपको समझने के लिए किस तरीके से हमारे बॉडी में, yes। तो ये रही आपकी किडनी, सर ये कैसी किडनी है? हाँ, यही है आपकी किडनी, ये है आपकी किडनी, मैंने एक किडनी बना दी आपके लिए, और ये रहा आपका यूरिनरी ब्लैडर। अब क्लियर हो गया? चलो तो स्टार्ट करें, थोड़ा सा बेसिक चीजें बता दें आपको इस डायग्राम में। दूसरी किडनी लेफ्ट और राइट दोनों किडनी होनी चाहिए, तो कुछ और पार्ट बना दूं फिर उसके बाद लेबलिंग करना शुरू करूं। तो किडनी को बेसिकली दो रीजन में डिवाइड किया जा सकता है, दो कॉमन रीजन में किडनी को डिवाइड कर सकता है। आउटर रीजन जो आप ऊपर देख रहे हैं, है ना, आउटर रीजन है ये, मैं इसमें थोड़ा सा कलरिंग कर दूं, ये आउटर रीजन है, हाँ, इस रीजन का नाम है कॉर्टेक्स। क्या नाम है आउटर रीजन का? कॉर्टेक्स। ठीक है, इस आउटर रीजन में जो डॉट 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 दिख रहा है जितना, इसका नाम है नेफ्रॉन। हाँ, ये आउटर रीजन है, मैंने नाम दिया इसका कॉर्टेक्स।
कॉर्टेक्स आउटर रीजन है और इनर रीजन जो है, जो सेकेंड रीजन दिख रहा है अंदर वाला रीजन, इसका नाम है मेड्यूला। दो रीजन हो गए, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। कॉर्टेक्स किससे भरा हुआ है? कॉर्टेक्स ये डॉटेड जो पदार्थ दिख रहे हैं आपको, बना हुआ है नेफ्रॉन से। हाँ, लार्ज नंबर ऑफ रीनल ट्यूब्यूल, किडनी ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन, ये डॉट डॉट दिख रहा है, सिंगल डॉट दिख रहा है आपको। ध्यान दीजिएगा, अभी सिंगल डॉट को मैं बहुत बड़ा डॉट में कन्वर्ट करने वाला हूं, बहुत डिटेल में चैप्टर समझना है आपको। एक एक डायग्राम मैं आपको ऐसा इजी कर दूंगा, इतनी सिंपल भाषा में समझा दूंगा कि कहीं और किसी भी बुक में आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच में, यू नीड नॉट टर्न एनी बुक, टर्न एनी पेज एंड लुक फॉर एनीवेयर फॉर दीज थिंग्स। बस यहां एक बार बहुत अच्छे से क्लियर कर लो अपने दिमाग में। तो क्या मैंने कहा, क्या है ये? मैंने कहा यह है नेफ्रॉन। हाँ, यह है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, रीनल ट्यूब्यूल, किडनी ट्यूब्यूल, तीनों नाम दे दिया मैंने। तो कॉर्टेक्स आउटर रीजन, इनर रीजन का नाम दिया मेडुला। अगर आप मेडुला को ध्यान से देखेंगे तो मेडुला बना हुआ है, यस, मेडुला बना हुआ है एक पिरामिड से। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पिरामिड। देखा, पिरामिड, पिरामिड कुछ और नहीं है, स्ट्राइब्ड मस्कुलर सेल्स हैं जो स्क्वीज करने मदद करती है एक तरह से। और ये जो एपेक्स है, हाँ, क्या मैंने बताया, ये जो एपेक्स है इसका, ये है, लेबलिंग कर रहा हूं, इसका नाम है पिरामिड। पिरामिड्स का जो एपेक्स है, एंड पोर्शन है ये एंड, इसका नाम होता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, दिखा रहा हूं, इसका नाम है पेपीले। क्या नाम है? पेपीले, ठीक है। ये पेपीले कहां पॉइंट करता है? टुवर्ड्स द पेल्विस। ये जो फ्रंट एंड ऑफ द, ये आगे का हिस्सा जहां पर से ये यूरिन कलेक्ट होकर बाहर निकलेगा, यस, ये है पेल्विस, ठीक है। ये किडनी के आपको फ्रंट एंड जो कि यूरेटर में जा रहा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ये इसका नाम है पेल्विस। और ये पूरा नॉच लाइक स्ट्रक्चर, यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा जो नॉच लाइक स्ट्रक्चर, नॉच मतलब होता है ऐसा लग रहा है कि किडनी में किसी ने क्या कर दिया, फिट कर दिया है, किडनी ऐसा है और इसके अंदर क्या कर दिया, किसी ने क्या कर दिया है, ये पूरा यूरेटर को फिक्स कर दिया। तो इस नॉच लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं हीलियम। क्या बोलते हैं इसका नाम है? मैं कलर चेंज करता हूं, इसका नाम है हीलियम। हीलियम वो एंट्रेंस पॉइंट है, ठीक है, किडनी के अंदर का एंट्रेंस पॉइंट है जहां पे ये यूरेटर पूरा फिट हो रहा है। ये है यूरेटर। अब यूरेटर क्या करता है? यूरेटर किडनी द्वारा जो यूरिन प्रोड्यूस हुई है उसे ले जाता है और यूरिनरी ब्लैडर में ले जाता है। कहां पहुंचाता है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन टेम्पररी स्टोर होती रहती है, तब तक जब तक, यस, ब्लैडर, BLADER, ब्लैडर, तब तक यूरिन स्टोर होगी जब तक कि यूरेथ्रा, ये रहा यूरेथ्रा, जब तक यहां से क्या होगा, यूरिन बॉडी से डिस्चार्ज करने का इंपल्स ब्रेन से ना आ जाए, जब तक मैच्यूरेशन की परमिशन हमारी बॉडी से ना आ जाए, ब्रेन से ना आ जाए, तब तक ये रहेगा, दोनों साइड में ऐसा ही होगा, है ना, सिंपल। क्यों कहते हैं सिंपल डायग्राम है? तो अभी हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा किडनी। आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के आगे चलिए अगला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो अभी तक हमने किडनी के बारे में बताया, किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। किडनी के अंदर तो मैंने बताया, अगर किडनी को आप डिवाइड करना चाहेंगे तो किडनी के अंदर दो रीजन मिलेगा, एक आउटर रीजन मिलेगा। आउटर रीजन डार्क सा है। हाँ, डार्क क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है। वो जो डॉट 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 दिख रहा था ना, वो एक दो नहीं है, मिलियंस ऑफ डॉट है, वो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है, ठीक है। वो कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं और इनर लाइटर रीजन है, अंदर हल्का राइटर रीजन है, नाम है मेडुला। तो बेसिकली दो रीजन में किडनी डिवाइडेड है, कॉर्टेक्स जो कि आपने देखा ऊपर में होता है, ठीक है, और अंदर के रीजन में, नेक्स्ट रीजन में, यस, इंटरनल रीजन में, यहां रीजन मेडुला, कॉर्टेक्स बाहर, मेडुला अंदर। तो मेडुला की बात करते हैं, जो मेडुला है वो किससे बना हुआ है? फाइनली स्ट्रिप्ड सब्सटेंसेस से बना हुआ है। इन स्ट्रिप्ड सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं पिरामिड्स। इनसे बना हुआ है, पिरामिड्स में, हाँ, जैसे पिरामिड होते हैं बनी हुई, है ना, आपने देखा था ऐसा स्ट्रक्चर था पिरामिड टाइप का, ठीक है ना, इस पिरामिड का स्ट्रक्चर है। इस पिरामिड का जो एंड है, टिप है, इस टिप को, इसके एपेक्स को कहते हैं पेपीला, सिंगुलर इज पेपीले, ठीक है, इसके एंड को, इस टिप को कहते हैं, इस पिरामिड के, ये पिरामिड है, ठीक है, ये पिरामिड है, पिरामिड के टिप का नाम है पेपीले। और किडनी, किडनी किससे बनी हुई है? मैंने बताया किडनी ट्यूब्यूल से बनी हुई है। क्या ट्यूब्यूल का नाम है? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन, सबका मतलब एक है। अगर कोई वन वर्ड क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, कीवर्ड सुन लो, कीवर्ड ये है वन वर्ड में, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। अर्थात किडनी का पूरा स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है? नेफ्रॉन से बना है। सर, नेफ्रॉन तो आपने दिखाया नहीं। हाँ भाई, मैंने आपको नेफ्रॉन नहीं दिखाया, और अब आपको दिखाने जा रहा हूं, अब आपको नेफ्रॉन दिखाने जा रहा हूं। कहां है हमारा नेफ्रॉन?
आइए इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये जो डॉट दिख रहा है, हाँ ये जो इतना सारा डॉट बनाया मैंने कॉर्टेक्स रीजन में, यही है ये जो डॉटेड रेड रेड डॉट दिख रहा था, ये है आपका नेफ्रॉन। तो सर ये क्या करता है, आओ यहीं से अब मेन शुरू होता है, सारा ब्लड से यूरिन बनाने तक का पूरा प्रोसेस यहीं पे टेक प्लेस करता है। कैसे टेक प्लेस करता है, आइए इसको तीन स्टेप में समझेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था पूरा चैप्टर ध्यान समझेंगे, इसके बाद आपको कहीं कोई लेबलिंग, कहीं कोई फंक्शन, कहीं कुछ नहीं सर्च करना है, बस इसको वीडियो को क्या करना है एक बार पूरा देखना है। अपनी बुक खोलिए, चैप्टर सामने रखिए एंड जस्ट टर्न पेजेस, यू नीड नॉट डू एनीथिंग, आपको कहीं कुछ समझने की उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, एवरीथिंग इज हेयर फॉर यू, ठीक है। चलिए लेट अस सी इन डिटेल, अब हम देखने जा रहे हैं। मैंने इस डायग्राम को बस आपके लिए ऊपर किया है क्योंकि अब मैं आपको नेफ्रॉन दिखाने जा रहा हूं, किडनी ट्यूबल दिखाने जा रहा हूं। नेफ्रॉन, ठीक है, क्या नाम बताया नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन का नाम बताया, नेफ्रॉन पहला नाम बताया, किडनी ट्यूब्यूल दूसरा नाम बताया, रीनल ट्यूब्यूल, हाँ ट्यूब्यूल, ठीक है, या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, बहुत सारे नाम है भाई इसके। तो आइए कैसा दिखता है, आइए समझते हैं। तो किडनी में यस जो ब्लड वेसल एंटर कर रही होती है, जो कि मैंने कहा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आती है, उसका नाम है अफरेंट आर्ट्रियोल। क्या नाम है, ए डबल एफ, अफरेंट, अफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। अफरेंट आर्ट्रियोल आती है और वो ब्रेक डाउन हो जाती है, क्या ब्रेक डाउन हो जाती है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है बहुत सारे नैरो ट्यूब्स में, ठीक है, बहुत सारे नैरो ट्यूब में ब्रेक हो जाती है, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ लिक्विड्स टेक प्लेस करता है। तो जहां से जब ये आ रही है ब्लड लेकर के, इसका नाम है अफरेंट आर्ट्रियोल, और जिसमें ये ब्रेक डाउन हो रही है, यस ग्लोमरस इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, ग्लोमरस, ग्लोमरस, ग्लोमरस इज द मास ऑफ द कैपिलरीज, क्या मास ऑफ द कैपिलरीज फॉर्म्ड आफ्टर द अफरेंट आर्ट्रियोल। अफरेंट आर्ट्रियोल आगे जाकर के बहुत सारे फाइन कैपिलरीज ब्रेक हो जाती है, हम लोग उसे कहते हैं ग्लोमरस, ग्लोमरस। और ये क्या है, यहां से ब्लड फाइनली निकलता है, रिमूव होता है, किडनी से बाहर जाता है। आते समय अफरेंट आर्ट्रियोल, देखिए जाते समय नाम हो जाएगा एफरेंट आर्ट्रियोल, नाम याद करना हो तो आप ई मतलब एग्जिट होता है, क्या ई मतलब एग्जिट। तो यहां से ब्लड क्या हो रहा है, किडनी से बाहर जा रहा है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं आर्ट्रियोल। तो अफरेंट क्या करती है, ब्लड ले आती है, और जब ये ले आती है तो ये देखिए इसका चैनल एंट्री पॉइंट कितना थिक है, आने वाली, यस आने वाली ब्लड वेसल कितनी थिक है, और ब्लड वेसल जहां से निकल रही है ब्लड वो कितना थिन है। नतीजा क्या होता है, ब्लड कम्स इन अ वाइड फ्लो, जब एंटर करता है तो बहुत वाइड फ्लो में आता है, और ब्लड में खूब सारा क्या मौजूद है, ब्लड में इस समय खूब सारा मौजूद है वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, इस ब्लड में, यहां वाले ब्लड में, यहां पे जो ब्लड है ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, क्या है, डाइल्यूट, मैं लिख दे रहा हूं डी आई एल, डाइल्यूट ब्लड है, यहां पर ये डाइल्यूट ब्लड है, इसमें वाटर, ग्लूकोज, अदर यूजफुल सॉल्ट्स, बहुत सारे आयंस इसमें मौजूद है। और जब ये यहां पहुंचता है तो मैंने कहा ब्लड किस में ब्रेक हो जा रहा है, ये कैपिलरीज में ब्रेक हो जा रहा है, मास ऑफ कैपिलरीज में ब्रेक हो जा रहा है, नाम है ग्लोमरस। और ग्लोमरस से प्रोड्यूस होता है ग्लोमरस फिल्ट्रेट, क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लोमरस फिल्ट्रेट, ये यूरिन नहीं है, क्या, हाँ ये यूरिन नहीं है, ये इससे निकला हुआ एक एक लिक्विड है, याद रखिएगा ये डाइल्यूट लिक्विड है, ठीक है। अब ये सब कहां टेक प्लेस कर रहा है, ये सब टेक प्लेस कर रहा है स्टेज वन, हाँ स्टेज वन, ये है बाउमैन कैप्सूल, ये है बाउमैन कैप्सूल, ध्यान दीजिएगा, मैं अब डायग्राम को और आगे ले जा रहा हूं, ये पूरा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन है, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज अ नेफ्रॉन। तो कहां मिल गया आपको, यस व्हाइट से लेबलिंग कर रहा हूं, इसका नाम है बाउमैन कैप्सूल, ठीक है, बाउमैन कैप्सूल में ये ग्लोमरस फिल्ट्रेट एंटर कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, बाउमैन कैप्सूल टुगेदर विद ग्लोमरस, मतलब ग्लोमरस और बाउमैन कैप्सूल, इस पूरे रीजन को आप कह सकते हो मेल्फीजियन कैप्सूल, क्या बोलते हैं इसको, हाँ ग्लोमरस एंड बाउमैन कैप्सूल इज टुगेदर कॉल्ड एज मेल्फीजियन कैप्सूल, हाँ हाँ कैप्सूल खाने वाला कैप्सूल नहीं है प्लीज, है ना, बल्कि स्ट्रक्चर का नाम है। यहां पे स्टेज नंबर वन यूरिन के फॉर्मेशन का पहला स्टेज हो रहा है, नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो वेयर डज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक प्लेस, दिस प्लेस, ठीक है, मेल्फीजियन कैप्सूल में, लिख दूं मेल्फीजियन, हाँ मेरे पास जगह कम है मैं लिख दे रहा हूं, मेल्फीजियन कैप्सूल दोनों मिलाकर बन जाते हैं। अब यहां पे क्या स्टार्ट होता है, यहां पे मैंने बताया ये जो निकला है वो यूरिन नहीं है,
बल्कि डाइल्यूटेड ब्लड है एक तरह का, जिसमें एक्सेस ऑफ वाटर है, एक्सेस ऑफ सॉल्ट है, ग्लूकोज है, सम यूजफुल आयन्स है सोडियम और पोटेशियम के इसके अंदर, ठीक है। क्या नाम बताया इसका नाम? ग्लॉमरस फिल्ट्रेट। इट इज नॉट यूरिन, ये यूरिन नहीं है, फिल्ट्रेट, ठीक है। अब क्या होगा? यस, ये जो टर्न पोर्शन दिख रहा है इसका नाम है पीसीटी। पी स्टैंड्स फॉर प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब होता है नजदीक, और कोव्यूल मतलब क्या होता है? टर्न्ड, कोव्यूलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल कोव्यूलेटेड ट्यूब्यूल, यहां पे यहां से ये लिक्विड पास हो रहा है और पहुंच रहा है लूप ऑफ हेनले में। कहां? इसको, ये हेयर पिन का स्ट्रक्चर है। हाँ, जो पिन लाके जो गर्ल्स लगाते हैं सर पे, हेयर पिन है ना, यू टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना उसका, ऊपर चिमटी जो होती है, चिमटी क्या बोलते हैं बालों में लगाने वाली, हाँ दैट इज व्हाट इज, यस ये लूप ऑफ हेनले है, यस हेयर पिन का स्ट्रक्चर, नाम लिख दे रहा हूं मैं, लूप ऑफ हेनले, मिल गया आपको, यस। यहां पर पीसीटी और लूप ऑफ हेनले वाले स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? यहां पर रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, ठीक सुना आपने, रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है। यहां पर जो यूजफुल मटेरियल होगा वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा वॉल्स में, जैसे मैंने कहा ग्लूकोज जो कि काम का पदार्थ होगा, ग्लोमस फिल्ट्रेट में ग्लूकोज है, कुछ सॉल्ट्स जो कि जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, के प्लस एन प्लस आयंस जो इसमें प्रोड्यूस हो रहे थे वो जरूरी है, वो रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, वापस इसमें क्या हो जाएंगे, इन रीजन में एब्सॉर्ब हो जाएंगे। और जब ये पी लूप ऑफ हेनले से जब ब्लड ये लिक्विड आगे मूव करेगा, ये लिक्विड क्या हो जाएगा, डेंस लिक्विड हो चुका होगा इस लिक्विड में से, सॉरी, और डाइल्यूट लिक्विड, इस लिक्विड में सिर्फ क्या बचेगा, आप एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ सॉल्ट बचेगी। यहां पर इसमें क्या होगा, हमारी बॉडी का और वेस्ट भी निकल जाएगा। यहां पर होने वाला है डीसीटी, फुल फॉर्म है डिस्टल कोवुलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल मतलब डिस्टेंस में, DISTAL, डिस्टल, डिस्टल कोवुलेटेड ट्यूब्यूल। यहां पर से क्या होगा, फाइनली क्या होगा, सेलेक्टिव, यस सेलेक्टिव डिस्चार्ज एक टाइप का हो जाएगा, अर्थात वो चीजें जो जरूरत की थी वो सारी एब्जॉर्ब हो चुकी होंगी, अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा होगा, यूरिन। बाय द टाइम डीसीटी को ये लिक्विड जब पास कर रहा है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट पास कर रहा है, तब तक वो यूरिन बन चुका है, मतलब बाय द टाइम इट रीचेज द कलेक्टिंग डक्ट। इस रीजन को क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, फाइनली यूरिन कलेक्ट कर लेती है, क्या करती है ये कलेक्टिंग डक्ट, यूरिन कलेक्ट कर लेती है, और ये क्या करती है, बॉडी के यस यूरेटर में पार्ट में ले जाती है, यहां से वो यूरेटर को ज्वाइन कर जाता है। यूरेटर याद ही होगा आपको, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन, यूरिन ले जाता है, ठीक है ना, जो पाइप, जो नेटवर्क क्या कर रहा है, किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ता है, यूरेटर। तो ये रहा, फाइनली यूरिन यहां पहुंच गया है, यहां पर क्या हो रहा है, सेलेक्टिव सीक्रेशन हो रहा है, मतलब जो एक्स्ट्रा वेस्ट था, आयंस था, जो होम्योस्टेसिस के लिए जरूरी था, वो सब हो चुका है यहां पर, और सिर्फ बचा है एक्सेस सॉल्ट, यूरिया एंड वाटर, और ये सब निकल जाएगा, यूरिन बन जाएगा, यहां पर यूरिन बन चुका होगा, तो यूरिन अब बॉडी से बाहर। तो दिस इज सर, ये पूरा क्या है? हाँ भाई, यही पूरा है एक सिंगल नेफ्रॉन, और ऐसे नेफ्रॉन मिलियंस में है हमारी बॉडी में, हमारी किडनी में, और ये हर पल काम कर रहे हैं, हर मिनट काम कर रहे हैं। तो तीन स्टेजेस में यूरिन फॉर्म हो रही है, पहला स्टेज आपने देखा अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेकंड स्टेज देखा रीअब्सॉर्प्शन, और थर्ड स्टेज है सेलेक्टिव डिस्चार्ज या सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो इस तरीके से यूरिन जो फॉर्म हो रहा है हमारे किडनी से, अब आगे यूरिनरी ब्लैडर में जाने वाला है। वापस चलूं, चलिए वापस ले चलते हैं आपको, और पहुंचते हैं हमारे, रुक गया, चलिए स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के पास वापस आते हैं। हम लोगों ने देखा बाउमैन कैप्सूल के बारे में, किडनी ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। थोड़ा डायग्राम जो ये कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा है, इसके पहले परेशान मत होइएगा, मैंने इसको सिंप्लीफाइड करके ऑलरेडी दिखा दिया है, इस भयानक भीषण डायग्राम को देख करके घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो बाउमैन कैप्सूल आपने देखा, बाउमैन कैप्सूल एक कप टाइप कैप्सूल होता है, ये आउटर कॉनकेविटी, यस में नॉच लाइक, यस नॉच लाइक मास ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है, जिसे हम ग्लोमेरस कहते हैं, आपने इसको देखा था ग्लोमेरस को, यस ये है ग्लोमेरस, क्या है, कैपिलरीज का नॉच है, गुच्छा है, नॉच मतलब होता है कलेक्शन या गुच्छा, कैपिलरीज है यहां पर, और जो ब्लड वेसल आ रही है, यस आने वाली ब्लड वेसल का नाम है अफरेंट, और जो लौट रही है यहां से बाहर निकल रही है वो इफरेंट है, ठीक है। अफरेंट का चैनल थिक होगा, अफरेंट का पैसेज थिक होगा, और इफरेंट का चैनल क्या होगा, नैरो होगा, इफरेंट नैरो होगी, ठीक है। और क्या मिलेगा आपको, पीसीटी मिलेगा, पीसीटी मिलेगा कहां पर, स्टार्टिंग पॉइंट पे, पीसीटी का फुल फॉर्म प्रॉक्सिमल क्यूबुलेटेड ट्यूब्यूल। बीच में क्या मिलेगा आपको, यू शेप ऑर्गन है ये, लूप ऑफ हेनले है जो हेयर पिन जैसा है, एंड लास्ट में क्या मिलेगा आपको, डीसीटी, ये रहा एंड वाले साइड में, यहाँ पीछे साइड में क्या मिल जाएगा, डीसीटी, ठीक है। यहां से क्या होने वाला है, यहां से यूरिन अब कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा, फाइनली चला जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। आइए, तो जो ब्लड सप्लाई
ट्यूब्यूल्स को दे रहा है, मैंने बताया अफरेंट, अफरेंट ब्रिंग करता है, अफरेंट ब्रिंग करता है और आगे जाके क्या होता है फाइनर चैनल्स में कैपिलरीज में ब्रेक हो जाता है, और जब कैपिलरीज में ब्रेक हो जाता है तो हम लोग उसे कहते हैं ग्लोमरस। ओ कहते हैं क्या? ग्लोमरस। और ग्लोमरस जब वापस रिकम्बाइन करता है तो बन जाता है इफरेंट। तो क्या क्या प्रोड्यूस होता है किडनी से? किडनी में मैंने कहा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पहला स्टेज, रीअब्सॉर्प्शन दूसरा स्टेज, और तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। आइए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक बार और देख लें। देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक प्लेस कर रहा है ग्लोमरस प्लस बाउमेन कैप्सूल में। क्यों नाम दिया गया इसका नाम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? क्यों सोचा है कभी? क्योंकि यहां पर ब्लड अंडर हाई प्रेशर पास हो रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, क्योंकि इनफ्लो ऑफ ब्लड क्या है? अंडर ग्रेट प्रेशर है। मतलब जब ब्लड आ रहा है, जब ब्लड आ रहा है इस ग्लोमरस में तो हाई वॉल्यूम में आ रहा है, ज्यादा क्वांटिटी में आ रहा है, पर निकलने का चैनल क्या है उसका? बहुत नैरो है। तो आप इमेजिन करिए क्या होगा, आने का पैसेज ज्यादा है, निकलने का पैसेज ज्यादा, तो भीड़ लगेगी नहीं? तो ये भीड़, यस ये ग्रेटर, यस वॉल्यूम आने की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स लगता है। क्या ये फिल्ट्रेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स की वजह से हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है ना, याद रखिएगा ये ब्लड यस जो फिल्ट्रेट होकर निकला है ये यूरिन नहीं है। क्या नाम है इसका? ग्लोमरस फिल्ट्रेट, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम की चीजें हैं, वाटर है, यूरिया है, सॉल्ट है, ग्लूकोज है, और इवन प्लाज्मा सेल्यूल्स भी है। सेकंड स्टेज आ जाएगा, नाम है रीअब्सॉर्प्शन। रीअब्सॉर्प्शन बाद के स्टेज में टेक प्लेस करेगा। ठीक है ना, यहां पर सोल्यूशन एक्सट्रीमली डाइल्यूट होगा, इसमें से ग्लूकोज और सॉल्ट हमारी बॉडी में जो जरूरी है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे हमारी ब्लड का, यस कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखने के लिए। सारा ग्लूकोज बॉडी से निकल जाएगा तो आदमी बीमार हो जाएगा। वैसे आप जानते हैं व्हाट इज द कंडीशन? हाँ ये आपसे पूछ रहा हूं, तुमसे पूछ रहा हूं, है ना, आपको बताना है व्हाट इज द कंडीशन व्हेन देयर इज लॉस ऑफ शुगर फ्रॉम द यूरिन। बॉडी से यूरिन से, यस बॉडी की यूरिन से क्या निकल रहा है? बहुत सारा शुगर लॉस हो रहा है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाँ आप जानते होंगे इसको क्या कहते हैं, बताइएगा मुझे। मुझे आपके जवाब का बहुत बेसब्री से इंतजार है, मैं हर एक जवाब को जवाब दूंगा लाइव है तो भी, और बाद में करेंगे तो भी। तो चलिए तीसरा, थर्ड स्टेज ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, नाम है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो मैंने बताया हमारे हमारे ब्लड हमारे यूरिन फॉर्मेशन के स्टेज में रीअब्सॉर्प्शन के बाद के प्लस आयंस जैसे पोटेशियम आयंस और इवन कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आर पास्ड इनटू द यूरिन। ठीक है, दे आर पास्ड, दिस इन्वॉल्व्स एक्टिविटी ऑफ सेल्स, ट्यूबुलर सेल्स की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ट्यूबुलर सीक्रीशंस। ठीक है, के प्लस आयंस एन प्लस आयंस हमारे यूरिन से निकलते हैं। हाँ सोडियम आयंस, अब आता है यूरिन का कलर, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, यूरिन यस पीले रंग की होती है, स्लाइटली येलोइश होती है, क्योंकि मैंने बताया बिलीरुबिन के बारे में, तो यूरोक्रोम इज द एग्जैक्ट नेम ऑफ द पिगमेंट दैट गिव्स इट येलो कलर। वन वर्ड क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, हाँ कलर ऑफ यूरिन बिलीरुबिन आपके फेशियल मैटर बॉडी का जो वेस्ट डिस्चार्ज हो रहा है आपकी बॉडी से उसका कलर देती है। तो क्या कलर है? यस कलर है येलो, और येलो देने वाला है यूरोक्रोम। और कितना यूरिन पर डे प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी? 1 to 1.5। ऑब्वियस बात है आप जितने आपके साइज होगी बॉडी का वेट होगा उसके हिसाब से यूरिन भी साइज चेंज होगी। पीएच वैल्यू यूरिन की क्या है? 5 to 8, दैट मींस स्लाइटली एसिडिक टू स्लाइटली बेसिक। ठीक है, और ओडर क्या है? यस एक अमोनिया का ओडर है, यस यूरिन की महक जो है अमोनिया की है, अमोनिया मतलब यूरिया। ठीक है, यूरिया की महक, इसीलिए कभी भी आप यूरिन यस वॉशरूम के आसपास देखेंगे कुछ अजीब सी स्टिंकिंग सी स्मेल है, वो यूरिया की स्मेल। समझ गए ना कहां से आया था यूरिया? प्रोटीन के, डेड प्रोटीन के ब्रेकडाउन से, जो आपने खाना खाया, आपने जो सब्जियां खाई फल खाए सब में यूरिया पड़ा हुआ है, याद रखिएगा खेतों में, और उन सब में जो प्रोटीन आपको मिल रहा है उस डेड प्रोटीन के ब्रेकडाउन से यस बन रहा है ये अमोनिया। लिवर बना रहा है, याद रखिएगा लिवर है इसको प्रोड्यूस करने के लिए, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कोई जरूरी नहीं। चलिए यूरिन का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है हमारे यूरिन में? तो हमारी यूरिन में 95% तो पानी है ना, आप तो ऑब्वियस बात है यूरिन पानी के रूप में निकल रहा है, पर 5% सॉलिड भी है पर डिसॉल्व स्टेट में है। इस स्टेट में है डिसॉल्व स्टेट में, आपको पता नहीं चलता है, 95% पानी है। हमारी यूरिन में कभी कभी क्या होता है ब्लड सेल्स आने लगती है, तो अगर ब्लड सेल्स आती है तो हम इसे कहते हैं हीमिचूरिया या हीम्यूचेरिया। और अगर हमारी यूरिन से ग्लूकोज निकलने लगे हमारी बॉडी का, याद रखिएगा ये कंडीशन अच्छी नहीं है। हमारी बॉडी से क्या हो रहा है? हमारा ग्लूकोज निकल रहा है जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। ग्लूकोज याद रखिएगा एनर्जी ग्रीन फूड होता है, तो अगर हमारी बॉडी से ग्लूकोज जा रहा है बाहर से तो नाम है ग्लाइकोसूरिया। क्या हमारी बॉडी से ग्लूकोज चला जाएगा? जानते हैं क्या होगा, आप थोड़ा सा भी यूरिन करने के बाद थक जाओगे, क्योंकि आपका एनर्जी देने वाला पदार्थ तो वेस्ट में चला गया। और अगर आपकी बॉडी के यूरिन में एल्बुमिन आ जाए तो उसे कहते हैं एल्बुमिनूरिया, और बाइल पिगमेंट्स निकलने लगे, ओ बाइल पिगमेंट, यस बाइल जूस याद करिएगा, तो बाइल जूस निकलने लगे
तो समझ जाइए एनीमिया नाम की बीमारी है जिसमें आयरन की कमी होती है, हिपेटाइटिस की नाम की बीमारी है, जॉन्डिस है जिसे पीलिया कहते हैं, या लिवर सिरोसिस, इसका मतलब है आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। और लिवर इज लार्जेस्ट ऑर्गन, ध्यान दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए लिवर का काम ही है बाइल जूस को स्टोर करना, बाइल जूस जो कि हमारे फैट्स को, फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन में मदद करती थी। नेक्स्ट है, हमारी बॉडी में हीट भी पता है कौन प्रोड्यूस कर रहा है, लिवर, ठीक है। लिवर एक तरह से कहें हमारे पूरे बॉडी का डिटॉक्सिफाइंग करने वाला, सारे पॉइजन को हमारी बॉडी में क्या करने वाला, ब्रेक डाउन करने वाला पदार्थ है, ऑर्गन है। आता है रेगुलेशन ऑफ यूरिन, तुम्हारी यूरिन को कंट्रोल कौन करता है कि हमारी बॉडी से कितना यूरिन निकलेगा, कौन डिसाइड करेगा? जी आप और मैं नहीं करवाते हैं, पानी तो करता है, आप सही कह रहे हैं, पर हमारा एक ग्लैंड है, नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ध्यान दीजिएगा, ये ब्रेन में पाया जाने वाला एक छोटा सा ग्लैंड है, ये एक ऐसा ग्लैंड है जो हार्मोन भी पैदा करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एंड डायरोसिस, ये दोनों क्या करते हैं, यूरिन के वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं। हमारी बॉडी में यूरिन कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन कैसा होगा, ठीक है ना, इसे कंट्रोल करता है ADH, क्या नाम है, एंटी डायुरेटिक हार्मोन। मैंने बताया पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, यूरिन की मात्रा कंट्रोल करता है, और इसके लिए क्या प्रोड्यूस करता है वो, ADH, एंटी डायुरेटिक हार्मोन। कहां से पैदा होता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पोस्टीरियर एंटीरियर, पोस्टीरियर पीछे का पार्ट होता है और एंटीरियर फ्रंट एंड होता है, ठीक है। तो पोस्टीरियर में एंड में पीछे वाले पोर्शन से पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ इस तरीके से दिखता है, ऐसा आपको लगेगा कुछ लटकी हुई चीज दिखाई दे रही है, ऐसे ऐसे आपको बीच में से ऑर्गन दिखाई देगा। तो ये पोस्टीरियर एंड में से पीछे वाले एंड से क्या होगा, ये निकलेगा ADH हार्मोन। नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन, क्या होता है, मतलब हमारे बॉडी का वाटर बैलेंस। हमारी किडनी क्या करती है, हमारी बॉडी से वेस्ट निकालती है ना, यूरिया के रूप में वेस्ट निकालती है, ब्लड से वेस्ट चला जाता है, तो जिसकी वजह से पानी और सॉल्ट्स का बॉडी में परसेंटेज क्या होता है, वेरी होता रहता है। वाटर और सॉल्ट्स हमारे ब्लड से अगर ज्यादा या कम निकल जाएंगे, हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी, याद रखिएगा, होम्योस्टेसिस नहीं हो पाएगा, हमारे दूसरे ऑर्गन्स भी क्या करेंगे, अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। तो इसका बैलेंस बनाता है ऑस्मो रेगुलेशन, क्या क्या टर्म है, ऑस्मो रेगुलेशन। इट इंप्लाइज दी रेगुलेशन ऑफ दी ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, हमारे ब्लड का प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखती है किडनी, इसीलिए बहुत बहुत संभाल करके किडनी का इस्तेमाल करना। क्यों कहा जाता है कि पानी टाइम पे पियो, पानी खूब पियो, कहा जाता है कि नहीं आप लोगों को, हाँ आपके पेरेंट्स कहते होंगे कि बेटा पानी पियो, खाली पेट मत रहो, और जब समय पे यूरिन आए तो प्लीज यूरिन टाइम पे कर दो, मत रोको यूरिन को, ज्यादा देर तक यूरिन को होल्ड नहीं करना चाहिए, वरना आपके आपके किडनी पे एक प्रेशर पड़ता है, किडनी पे प्रेशर पड़ता है, किडनी की फंक्शनिंग ब्लॉक होने लगती है, समझ गए, इसीलिए टाइमली चले जाया करो वॉशरूम। चलो आर्टिफिशियल किडनी की बात करता हूं, तो अगर किसी की किडनी काम ना करे तो क्या होगा, तो उसे यस एक किडनी के डैमेज होने से तो काम चल सकता है, और अगर दोनों ही किडनी डैमेज हो जाए तो कुछ हद तक आर्टिफिशियल किडनी जिसे हम डायलिसिस मशीन कहते हैं, आजकल ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, डायलिसिस मशीन अवेलेबल है, जो क्या करती है आपके ब्लड से जो एक्सेस सॉल्ट्स हैं, एक्सेस वाटर जो है वो रिमूव कर सकती है, उसको लगा करके ये समय समय पर क्या करना पड़ता है, बॉडी को फिल्टर करना पड़ता है।